नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज बंजा बेचने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई। इलाके में हुए हादसे के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखी। महिंद्रा पार्क थाना इलाके के बटोला में पुलिस ने छापेमारी कर दो दुकानदारों को किया गिरफ्तार। इससे पहले बुधवार को भी पुलिस ने शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके से एक दुकानदार को चाइनीज मंझा के साथ किया था गिरफ्तार। अब तक कुल 155 बंडल प्रतिबंधित मंझा बरामद। पुलिस लगातार प्रतिबंधित चाइनीज मंझा बेचने वालों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मौर्य एनक्लेव थाना इलाके में चाइनीज मंझे से गला कटने का मामला सामने आया। उसके बाद अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उस हादसे के बाद उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस अब तक 3 दुकानदारों पर कार्रवाई कर चुकी है जो कि प्रतिबंधित चाइनीज मंझा बेच रहे थे। बुधवार को पहली कार्रवाई की गई जहां शालीमार बाग इलाके के हैदरपुर से पुलिस बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया। बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 155 बंडल प्रतिबंधित चाइनीज मंझा की बरामदगी की है। जिले की DCP उषा रंगनानी ने बताया कि मंझे से मौत की घटना को लेकर जिले में ऐसे मंझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महिंद्रा पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ौदा गांव में प्रबंधक मंझा देता जा रहा है। तभी पुलिस ने इलाके में छापेमारी की और दो दुकानदारों को धर दबोचा जिनके नाम अजय और सागर बताए जा रहे हैं। इनमें से अजय के पास से 31 और सागर के पास से 104 बंडल मंझा बरामद हुए। दोनों के खिलाफ पर्यावरण कानून एवं धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को भी पुलिस ने 20 बंडल प्रतिबंधित चाइनीज मंझा बरामद किया था और अश्वनी नाम के एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया था। अब तक कुल 155 बंडल चाइनीज मंझा बरामद किया जा चुका है और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।